बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 रुपीज। अब देखो 30,000 वाले लैपटॉप में ना हमको चाहिए कि उसमें परफॉर्मेंस सबसे अच्छा मिले, मतलब कि उसमें जो है प्रोसेसर सबसे अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रोसेसर उसमें घटिया हो बाद बाकी चीज अच्छा हो, तो वैसा लैपटॉप लेने का क्या फायदा। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए और टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 में कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा, किन लोगों के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा प्राइस बजट में क्या लैपटॉप मिल रहा है, ताकि आप जो पैसे जो खर्च करो ना उसके हिसाब से एक अच्छा लैपटॉप आप खरीद सको। फिफ्थ नंबर पर जो लैपटॉप है वो है Asus VivoBook Go लैपटॉप, और ये लैपटॉप ना सबसे सस्ता लैपटॉप है अगर आपका बजट बहुत ही कम है, यानी कि अगर आपका जो है ऐसा हाल है कि आपको जो है कम से कम पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, तो बेसिक ये वाला लैपटॉप लो। जिनका बजट बहुत ही कम है उनके लिए ये वाला लैपटॉप सबसे बेस्ट है, क्योंकि 30,000 रुपये के अंदर में सबसे सस्ता लैपटॉप ये है। इस लैपटॉप में आपको जो है एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगा विथ 45% NTSC के साथ। इसमें 256 GB का M.2 NVMe का Gen 3 वाला SSD इसमें आपको मिल जाता है। इंटेल USD का ग्राफिक है, 78% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, और उसमें 8GB का जो रैम है वो आपका 2933 मेगाहर्ट्ज़ का रैम है, यानी कि रैम का फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छा है, और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ ये लैपटॉप आता है, और 42 वाट आवर का इसमें बैटरी है, और 33 वाट का जो है इसमें चार्जर आपका एडेप्टर आपको मिल जाएगा जो कि बॉक्स के साथ ही मिलता है, और बैटरी बैकअप आपको 4 से 5 घंटे तक इजिली आपको मिल जाएगा, और इसमें आपको जो है वाईफाई 5 डुअल बैंड का सपोर्ट मिलता है, और ब्लूटूथ 5.1 का भी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलता है। अब देखो डिस्प्ले इसमें 14 इंच का फुल HD का डिस्प्ले है, प्रोसेसर इंटेल N4500 का दमदार प्रोसेसर है, 8GB का रैम है, 256GB का M.2 NVMe Gen 3 का SSD है, और विंडोज 11 इसमें प्री इंस्टॉल आपको मिल जाता है, ऑफिस इसमें आपको नहीं मिलता है। प्राइस की बात करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 22,000 रुपीज के आसपास में आपको मिल जाएगा, और ये लैपटॉप उनको लेना चाहिए अगर आप जो है नॉर्मल यूज के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या फिर यूट्यूब में वीडियोज देखने के लिए, इन सब कामों के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो और आपका बजट बेहद कम है, बहुत ही कम है, बेसक आंख बंद करके Asus का ये वाला लैपटॉप ले लो। इसका भी लिंक आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फोर्थ नंबर जो लैपटॉप है वो है Lenovo V15, और ये लैपटॉप रिसेंटली लॉन्च हुआ है, और इस लैपटॉप में आपको जो है AMD का लेटेस्ट प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा, प्राइवेसी शटर कैमरा आपको इस लैपटॉप में मिल जाता है। अब देखो Lenovo के इस लैपटॉप में सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको जो 8GB का जो रैम है वो आपको DDR5 वाला 5500 फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ का रैम मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज में देखोगे तो ज़्यादातर लैपटॉप में आपको जो है DDR4 वाला ही रैम आपको देखने को मिलता है, लेकिन इतने कम प्राइस में आपको जो है DDR5 वाला वो भी इतने ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ का रैम मिलता है, तो ये किसी भी लैपटॉप में प्राइस रेंज में आपको जो नहीं मिलता है। इसमें आपको 512GB का SSD आपको मिलता है, AMD Radeon 610M का ग्राफिक इसमें दिया गया है, बैटरी बैकअप 4 से 5 घंटे आपको इसलिए मिल जाएगा, और पोर्ट्स की बात करें तो इथरनेट पोर्ट, USB टाइप सी पोर्ट, 3.5mm का जैक, HDMI पोर्ट, और 2 USB टाइप ए, जितने भी जो है नेसेसरी पोर्ट्स हैं सारे पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। डिस्प्ले इसमें 15.6 इंच का डिस्प्ले है, प्रोसेसर Ryzen 7120U 5000 सीरीज का इसमें दमदार प्रोसेसर है, 8GB का रैम है, 512GB का M.2 NVMe का SSD है, विंडोज 11 प्रिंस्टॉल मिल जाता है, और ये लैपटॉप आपको जो है 25,000 रुपीज के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है अगर आप जो है बेसिक यूज के लिए लैपटॉप लेना चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, या फिर कॉलेज यूज के लिए, ऑनलाइन क्लासेस के लिए, या फिर यूट्यूब में वीडियोस देखने के लिए, सब नॉर्मल कामों के लिए लेना चाहते हो और बजट आपका बहुत ही कम है, तो 25,000 रुपए के आसपास में ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसका भी लिंक आपको नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थर्ड नंबर में जो लैपटॉप है वो है HP लैपटॉप 15S, और इस लैपटॉप में जो प्रोसेसर आपको बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है। इसमें जो 8GB जो रैम है वो आपका जो DDR4 3200 फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ का रैम इसमें लगा हुआ है, यानी कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ का रैम लगा हुआ है। इसमें आप जो अप टू 16GB तक अपने रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, Alexa बिल्ट इन का फीचर है, बैटरी लाइफ इसमें बहुत ही अच्छा आपको मिल जाता है, 4 से 5 घंटे इजिली आपको मिल जाएगा, Radeon का ग्राफिक इसमें दिया गया है, और इसमें फास्ट चार्जिंग को भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है, यानी कि 0 से 50% ये 45 मिनट में चार्ज कर देगा। HP ट्रू विजन 720p का कैम इसमें दिया गया है, और इसके साथ ही डुअल बैंड वाईफाई और USB टाइप सी जैसे जितने भी नेसेसरी पोर्ट्स हैं सारे पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। 15.6 इंच का फुल HD का डिस्प्ले है, Ryzen 5300U का प्रोसेसर है, 8GB का रैम है, 512GB का M.2 NVMe का SSD है, और इसमें विंडोज 11 और ऑफिस इसमें प्री इंस्टॉल आपको मिल जाता है, और ये लैपटॉप आपको जो है 31,000 रुपीज़ के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो अगर ये लैपटॉप आपको जो है ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, कोडिंग के लिए चाहिए, प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए, डिजाइनिंग के लिए चाहिए, या फिर कॉलेज या फिर स्कूल यूज़ के लिए चाहिए, या फिर अगर स्टूडेंट हो, तो इन सभी कामों के लिए ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है।
सेकंड नंबर में जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire Lite लैपटॉप और ये 6 कोर और 8 थ्रेड वाला प्रोसेसर है, यानी कि आप जितने भी लैपटॉप आप देखोगे ना कि 30,000 के प्राइस रेंज में सबसे ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर, सबसे अच्छा प्रोसेसर चाहिए तो आपको जो यही वाला लैपटॉप को ऑफर करता है। और ये सबसे लोएस्ट प्राइस वाला लैपटॉप है जो कि आपको इंटेल 12 जनरेशन का जो है प्रोसेसर आपको ऑफर करता है। अगर आपका 30,000 रुपये का बजट है ना तो कोशिश करो कि इंटेल 12 जनरेशन वाले लैपटॉप के साथ ही जाने के लिए। अगर इसके प्राइस अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो इसके पहले वाले जितने भी मैंने आपको लैपटॉप बताया प्राइस के हिसाब से बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देता है। लेकिन अगर 30,000 रुपये तक खर्च कर सकते हो तो ये वाला और नंबर वन वाला बताऊंगा, उनमें से जो आपको बेस्ट लगे वो ले लो। दोनों के दोनों लैपटॉप सबसे बेस्ट हैं। अब देखो इसमें जो रैम है ना, आप इसमें अप टू 32 GB तक अपने रैम को अपग्रेड आप कर सकते हो और स्टोरेज को भी अप टू 1 TB तक अपग्रेड कर सकते हो। और ये जो लैपटॉप है ना आपका जो है बॉटम और टॉप जो है मेटल फ्रेम पर बना हुआ है। जनरली इस प्राइस रेंज में आपको जो है प्लास्टिक फ्रेम में आपको जो है लैपटॉप आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये मेटल फ्रेम पे बिल्ट हुआ हुआ ये लैपटॉप है। इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, 180 डिग्री तक ये फ्लैट फोल्ड हो जाता है। SD वेबकैम इसमें दिया गया है। इसमें जो है 36 वाट आवर का बैटरी इसमें दिया गया है और इसमें जो है 45 वाट का जो चार्जर आपको बॉस के साथ ही मिलता है और 4 से 5 घंटे तक का भी बैटरी बैकअप ये लैपटॉप आपको इजीली निकाल कर दे देगा। इसके साथ ही डुअल माइक विद नॉइस कैंसिलेशन के साथ ये लैपटॉप आता है। इस लैपटॉप में आपको जो है MS ऑफिस आपको नहीं मिलता है। अगर आपको MS ऑफिस के साथ चाहिए अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के साथ तो इसके बाद वाला लैपटॉप देखना वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इस लैपटॉप में अगर डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंचेस का फुल HD का डिस्प्ले है। इंटेल i3-1215U सीरीज का प्रोसेसर है। 8 GB का रैम है, 512 GB का Gen 3 वाला SSD है। विंडोज 11 इसमें प्री इंस्टॉल आपको मिल जाता है। ये लैपटॉप आपको सिर्फ और सिर्फ 31,000 रुपीज़ के आसपास में आपको मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका लैपटॉप में प्रोसेसर सबसे तगड़ा हो तो यही वाला लैपटॉप है Acer वाला। ये लैपटॉप बिजनेस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए, एडिटिंग के लिए, कोडिंग के लिए, ऑफिस के लिए या फिर स्टूडेंट यूज के लिए अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो आंख बंद करके ये वाला लैपटॉप ले लो। अब देखो नंबर वन पे जो लैपटॉप है जो आपको आंख बंद करके लेना चाहिए वो है Lenovo IdeaPad Slim 3 लैपटॉप। और इसी प्राइस रेंज में ना आपको जो है Dell VOSTORO 3420 वाला लैपटॉप भी आपको देखने को मिलेगा। वो वाला लैपटॉप आपको नहीं लेना है, बहुत लोग आपको बोलेंगे लैपटॉप खरीदने के लिए। देखो इस लैपटॉप में ना कॉन्फ़िगरेशन आपको अच्छा मिलेगा लेकिन इसका जो रैम जो है ना बहुत ही घटिया है, यानी कि इतना रुपये देने के बाद भी उसमें आपको जो है 2666 MHz का रैम मिलता है जो कि आजकल जो है 25,000 के लैपटॉप में भी नहीं मिलता है। तो इतने पैसे दे के Dell VOSTORO 3420 वाला लैपटॉप तो आपका पैसा आपको डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। किसी भी गलत बंदे के बातों में आके ये वाला लैपटॉप मत लेना। अगर आपको लेना है तो Lenovo IdeaPad Slim 3 लो। अब देखो Lenovo के इस लैपटॉप में आप जो है अप टू 16 GB तक अपने रैम को अपग्रेड अप कर सकते हो और इसमें 8 GB का जो रैम है वो आपका 3200 MHz का रैम दिया गया है, यानी कि प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा। कोई भी सॉफ्टवेयर इसमें यूज करोगे तो वो जो है बहुत ही जल्दी खुलेगा, बहुत ही अच्छा आपका काम करेगा। Alexa बिल्ट इन का फीचर है, वॉइस कमांड्स अपने लैपटॉप को ऑपरेट अप कर सकते हो और इसमें आपको जो है 48 वाट आवर का बैटरी इसमें दिया गया है जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है, यानी कि अगर आप 15 मिनट चार्ज करोगे तो 2 घंटा आप उसको इजीली आप यूज अप कर पाएंगे और 80% आप जो है 1 घंटे के चार्ज में आप कर पाएंगे। बैटरी बैकअप 4 से 5 घंटे आपको इजीली आपको मिल जाएगा। स्लिम और लाइट वेट वाला यह लैपटॉप है और इसमें जो है ना 720p का वेबकैम प्राइवेसी सेटर के साथ दिया गया है और जितने भी नेसेसरी पोर्ट्स हैं USB टाइप सी जैसे सारे पोर्ट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक USB टाइप सी 3.2 Gen वाला एक पोर्ट है जो कि आप डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी यूज में आप ला सकते हो। पावर डिलीवरी 3.0 का भी सपोर्ट इसमें मिलता है और इसमें आपको जो है डिस्प्ले पोर्ट 1.2 का भी पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और कनेक्टिविटी के मामले में भी ये लैपटॉप सबसे बेस्ट है क्योंकि इसमें आपको लेटेस्ट वाईफाई 6 और ब्लूटूथ 5.1 का कनेक्टिविटी आपको मिलता है। Lenovo के इस लैपटॉप में आपको जो 15.6 इंच का फुल HD का IPS पैनल वाला डिस्प्ले है। इंटेल i3-1215U सीरीज का प्रोसेसर है। 8 GB का रैम है, 256 GB का SSD है। विंडोज 11 और ऑफिस में प्री इंस्टॉल आपको मिल जाता है और ये लैपटॉप आपको जो है 33,000 रुपीज़ के आसपास में आपको मिल जाएगा। 2 से 3,000 रुपये बढ़ा के ये वाला लैपटॉप ले लो, आपके लिए सबसे पैसा वसूल रहेगा। और ये लैपटॉप अगर आप बिजनेस यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए, कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, एडिटिंग के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इन सब चीजों के लिए आपको लेना चाहते हो ना, आंख बंद करके ये वाला लैपटॉप ले लो, Lenovo IdeaPad Slim 3। ये लैपटॉप आपके लिए सबसे बेस्ट है 30,000 के प्राइस रेंज में। अब देखो हमने आपको जो है टॉप 5 बेस्ट लैपटॉप अंडर 30,000 बता दिया है। आप हमें कमेंट करके बताओ कि आप जो है कौन सा लैपटॉप आप लेना चाहते हो और जितने भी लैपटॉप हैं सभी का लिंक आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।